हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू आर फाइन सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर सिक्स क्लास फिफ्थ चैप्टर नेम इज़ फ्रैक्शन एंड टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड कंपेयर ऑफ एनी फ्रैक्शन ओके फर्स्ट थिंग लाइक फ्रैक्शन दोज फ्रैक्शन हैव सेम डेनोमिनेटर दोज फ्रैक्शन हैव सेम डेनोमिनेटर ओके जिन भी फ्रैक्शन का जितनी भी फ्रैक्शन है उनमें से जिनका भी डेनोमिनेटर सेम होगा वो सभी क्या होंगी लाइक like फ्रैक्शन क्या होगी लाइक फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल टू बाई थ्री एट बाई थ्री सिक्स बाय सेवन नाइन बाई एट सेवन बाई थ्री तो इनमें से जब भी लाइक फ्रैक्शन की बात आएगी तो जिनका डेनोमिनेटर सेम है थ्री 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 टू बाई थ्री एट बाई थ्री एंड सेवन बाई थ्री ओल आर लाइक फ्रैक्शन ओके क्लियर जिनका भी डेनोमिनेटर सेम होगा दो फ्रैक्शन है वो सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन फोर बाय सिक्स नाइन बाय सिक्स थ्री बाय एट फाइव बाय थ्री टू बाय सिक्स एंड नाइन बाय एट एंड फाइव बाय सिक्स तो सेम डेनोमिनेटर सबसे ज़्यादा क्या सिक्स 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 है तो ये क्या होंगी सभी लाइक like फ्रैक्शन क्या होंगी लाइक like फ्रैक्शन अब ये नहीं है कि सिक्स आ गया तो और कोई लाइक like फ्रैक्शन नहीं हो सकती एट एंड एट ये भी सेम है तो ये भी लाइक like फ्रैक्शन में काउंट होंगी ओके okay. मीन्स एक से भी ज़्यादा जिस भी फ्रैक्शन के डायनोमिनेटर सेम हो दो फ्रैक्शन का होगा तो वो दोनों भी लाइक ही होंगी मोर देन टू का होगा तो वो सभी लाइक होंगी ओके नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है दोज वो डिफरेंट डेनोमिनेटर दोज हैव डिफरेंट डेनोमिनेटर जिनका डायनोमिनेटर सेम नहीं होता वो कौन सी होती हैं अनलाइक फ्रैक्शन मैंने ये पहले ही बताया था कोई भी फ्रैक्शन है नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर एंड ऊपर वाला नमिनेटर ओके डनोमिनेटर नमिनेटर टू बाई एट सिक्स बाई थ्री फाइव बाई एट नाइन बाई फोर एंड सिक्स बाई नाइन तो इनमें से आप अनलाइक फ्रैक्शन निकालोगे तो एट एट ये तो लाइक like है सिक्स बाई थ्री नाइन बाई फोर एंड सिक्स बाई नाइन ये सभी क्या हैं अनलाइक फ्रैक्शन ओके नेक्स्ट आता है आपका कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन कंपेयर मीन्स आपको सिंबल लगाने हैं ग्रेटर देन स्मॉलर देन एंड इक्वल ओके okay, ये है ग्रेटर देन का ये स्मॉलर देन का ये इक्वल का मीन्स आपको ये बताना है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है या क्या दोनों फ्रैक्शन इक्वल है ओके टू बाय थ्री फाइव बाय नाइन ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है इनको बताना है तो जब भी हम कंपेयर करेंगे किसी भी फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू की होगी नाइन से थ्री की होगी फाइव से ओके okay, टू की नाइन से होगी तो इस साइड लिखा जाएगा जिस भी फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट की मल्टीप्लाई होगी उसी साइड लिखना है ये ध्यान रखना है ओके okay? ऊपर वाला पार्ट टू यहाँ है तो इसका नाइन टू या एट्टीन यहाँ पर लिखा जाएगा थ्री फाइव या फिफ्टीन यहाँ पर लिखा जाएगा अब एटीन ज़्यादा है या फिफ्टीन सबको पता है एट्टीन इज ग्रेटर देन फिफ्टीन तो फ्रैक्शन भी कौन सी होगी टू बाई बड़ी होगी किससे फाइव बाई से ओके एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम फाइव बाई सिक्स एंड सिक्स बाई फाइव ओके फाइव बाई सिक्स एंड सिक्स बाई फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे फाइव फाइव जा ट्वेंटी बाई सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इज़ ग्रेटर तो फ्रैक्शन भी कौन सी ग्रेटर होगी सिक्स बाय फाइव एक फ्रैक्शन है टू बाई थ्री और एक फ्रैक्शन है थ्री बाई टू 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 जा फोर थ्री थ्री जा नाइन तो थ्री टू जा थ्री टू क्या होगी ग्रेटर होगी ओके इक्विलेंट भी आ सकती है इक्वल भी आ सकती है जैसे थ्री, एट। थ्री, एट, थ्री एट, बाई एट ओके थ्री बाई एट नाइन बाय ट्वेंटी फोर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी सेवनटी टू यहाँ भी सेवेंटी टू तो ये क्या आ गए दोनों इक्वल आ गए तो ये फ्रैक्शन भी क्या है दोनों इक्वल हैं ओके थैंक यू बेटा